ज़्यादा गहरा है और अभी मैं इसके पास जाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मेरा दिल। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ही होंगे। तो आज की वीडियो का आगाज़ हम यूँ कर रहे हैं कि हम नहीं बल्कि मैं और अम्मी जान जो है ना आए हैं घास लेने, जो कि हमारी है न्यू भैंस। और वो आपको उसका विज़िट मैंने नहीं करवाया, इंशाल्लाह कल की वीडियो में आपको ज़रूर लाजमी करवाऊँगा। और आप सोच रहे होंगे कि ये ड्रामों से डायरेक्ट व्लॉग पर कैसे आ गया, तो ऐसे हुआ है कुछ सीन के ड्रामे बनाने को ना अब दिल नहीं करता यार, कैमरा होना चाहिए बंदे के पास, माइक होना चाहिए, वगैरह वगैरह चीज़ें होनी चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है। अभी है हम छोटे यूट्यूबर गरीब और अभी हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, इसलिए फिर मैंने सोचा कि अभी ड्रामे वगैरह बनाने का मज़ा नहीं आएगा। अगला जैसे जैसे आप लोग सपोर्ट करते जाएंगे वैसे वैसे जो है ना हम चीज़ें इकट्ठी करते जाएंगे, फिर ही मज़ा आएगा वीडियो बनाने का। तो आप यार सपोर्ट किया करें, अभी 500 सब्सक्राइबर नहीं हुआ, आपको चाहिए था रातों दिन ना चढ़े और 1000 सब्सक्राइबर कर दे हैं। तो खैर जी, अम्मी जा रहे हैं उधर, वो देखो घास देखने जा रहे हैं कि वहाँ पर घास है या नहीं, और मोटरसाइकिल हमारी खड़ी है वहाँ पर। और हम पीते हैं यहाँ से पानी क्योंकि इस नलके का पानी इतना ठंडा होता है कि पीकर जो है ना मज़ा आ जाता है। अब इस नलके का जो पानी है ना, आय हाय हाय, इतनी है ना इसका कि पीकर मज़ा आ जाता है, बंदे को दिल में बहारें पैदा हो जाती है। एक और ख़ास बात, यहाँ पर दरख्त जो लगे हुए हैं इतने ही मज़े के लगे हुए हैं, इनकी छांव इतनी है कि दिल करता है कि यहाँ पर ही चार पाई पड़ी हो और बंदा आराम सुकून से जो है ना इधर लेट के अपनी गप्पी शप्पी लगाए हैं। यह है और अभी चलते हैं आगे क्योंकि यहाँ पर तो घास नहीं है, हमें इसलिए आगे जाना पड़ेगा। चलो भाई चलते हैं। तो जी हम अब आए हैं अपनी प्यारी सी लोकेशन पर, आपको कासिम भाई ऐसी ऐसी चीज़ों का विजिट कराएगा, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाएगा कि आपकी जो है ना रूह खुश हो जाएगी। तो अभी मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ कि आपका देखकर कलेजा कांप जाएगा। चलो भाई, वो मेन से आती है सड़क और सीधी कच्ची सड़क जो है ना इधर डेरे पर आ जाती है, और ये एक अपना कुआं सा बना हुआ है पुराने वक्तों का। उफ़ल्ला, डर लग रहा है, देख सकते हैं कि पुराने वक्तों में ऐसी ही ईंटें लगती थी और अब तो ये है ना इसकी टूट फूट पड़ताल कर शाल करके जो है ना टूटी छूटी पड़ी है हर चीज़, और मुझे लग रहा है ये जो खूह है ना बहुत ही ज़्यादा डूंगा है। डूंगा मतलब आप समझ रहे हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा गहरा है। और अभी मैं इसके पास जाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मेरा दिल घबरा रहा है, मुझसे जो है ना ऊँचाई देखी जाती है ना गहराई देखी जाती है, फिर भी आपके लिए कर रहा हूँ। भाई साहब देख सकते हैं आप, तो नीचे पानी में पानी है और दूसरा कुआं उसके बीच में से निकल रहा है। उफ़ला, वो क्या है? वो तो मुझे लग रहा है कि छिपकली है, मैं तो ऐमी खाम खाल डर गया भाई जान। बड़ा ही पुराना कुआं था और जो है ना इन लोगों ने इन खूह को अब बंद कर दिया है और ये एक इसकी याद रह गई है। ये पता नहीं क्या ऊपर लिखा हुआ है, चक नंबर पता नहीं 112-13-9। तो खैर जी, ये चीज़ आपको दिखा दी है और अभी दिखाने वाले हैं हम आपको हमारे घास की लोकेशन, क्योंकि फिर भाजी पेंडू लोग की जो है ना, आपको पता है कि घास बनाना भी एक फनकारी होती है, भैंसों को रजाना भी एक फनकारी होती है जो कि किसी किसी में होती है। मैं सिर्फ मोबाइल उठा कर वीडियो शीडियो बना सकता हूँ, पट्ठे पुट्ठे अम्मी बनाते हैं, समझ गए ना। ये देखें भाई, ये हैं हमारे पट्ठे और अभी मैं जाकर थोड़े बहुत बनाता हूँ और फिर आपसे दोबारा मिलता हूँ, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़। देखें भाई साहब, इतना सा घास बनाया और पसीने देखें ऐसे टपक रहे हैं जैसे आसमान से मीह टपकता हो। हाँ जी, और अभी थोड़ा सा और घास बनाना है तो फिर जाके जो है ना जान बनेरे लगनी, समझ रहे हैं ना आप। जैसे ये बनेरा जा रहा है ना वो वहाँ तक, ऐसे ही हमारा बनेरा जो है ना घर तक जाएगा। तो अभी जल्दी जल्दी से जो है ना घास की तलाश करते हैं, फिर ही कुछ बनेगा। आप सोच रहे होंगे यार ये तो पट्ठे पट्ठे छट्टे ले आता रहता है, आपके भी काम आ सकता है कभी ना कभी ज़िंदगी में। और इधर सूरज मामू जो है ना अपनी फुल आबोताब में है, इतनी ज़्यादा वैसे तपश नहीं आज छोड़ रहे क्योंकि आज इन्होंने हमारे पर किया है एहसान और आज थोड़ी सी गर्मी कम थी कल के मुकाबले में।
हाँ जी। ओ जी, हमने अपने हथियार वगैरह जो है ना संभाल लिए हैं और उधर अम्मी जान थोड़ा सा आगे जा रहे हैं अपना घास लेकर, और अभी हम भी मोटरसाइकिल को मारते हैं किक और चलते हैं भाई जान घर, क्योंकि घर जितना सुकून तो यहाँ पर नहीं ना है, तो है लेकिन महसूस करें ज़रा। ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो, इंशाल्लाह आगे आगे जो है ना और भी मजे मजे के व्लॉग आने वाले हैं, और हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक करें, दिल खोल के यार एक दूसरे को सपोर्ट किया करें, आप क्यों नहीं करते। तो ठीक है, मिलते हैं अगले व्लॉग में।